नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। गाने इस फिल्म के बहुत यूनिक, इट्स एक्चुअली वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट म्यूजिक्स ओवर हियर, और जो लिरिक्स है इट्स ऑल्सो वेरी यूनिक। हम लोगों ने काफ़ी गाना शूट कर दिया एक्चुअली, और 3 गाने अभी भी बाकी है। सो इट्स लेट बी अ लिटिल बिट सरप्राइज फॉर यू जब भी रिलीज होगा। आई होप आप सबको आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादातर केस में तो हीरो हीरोइन जो थी हीरो से प्यार करती है, आपको लगता है विलन से ही प्यार कर रही हैं? क्या कहते हैं मेरे नहीं, मैं सच बताऊं तो मुझे हीरो से तो विलन ज्यादा पसंद है। सुन लिए भाई आपने, वो भी स्पेशली अवधेश जी, इतनी आंखें देख रही हैं। तो अवधेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से गाइड करते इतने समय से इंडस्ट्री में? बहुत, अरे हमसे बहुत सीनियर है, मुझे बहुत सी चीज़ों को लेकर इन्होंने समझाया है, लाइटिंग्स के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में। बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है हमारे इंडस्ट्री के, एंड जो इनकी खासियत है कि ये अंदर से ना बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं। हालांकि वो रोल करते विलेन के दिखते भी डेंजर है, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट, बहुत ही सॉफ्ट है। आप बात करेंगे ना पर्सनली 2 मिनट इनसे, तो आप इनसे मतलब प्यार हो जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में जो मतलब फिल्में बढ़ रही है, बड़ी बजट की फिल्में बन रही है, भोजपुरी फिल्मों को क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे कि कितना नहीं डजंट मैटर कि बड़ी बजट की फिल्म बन रही या छोटी बजट की फिल्म बन रही, इस बात पे डजंट मैटर, क्योंकि फिल्म्स हमारे लिए फिल्म्स होता है, ये हमारी यू नो 9 to 9 जॉब टाइप का है, हमारा पैशन है। सो इससे हमें कोई फैक्ट नहीं पड़ता कि ये बड़ी फिल्म है छोटी फिल्म है, फैक्ट इस बात से पड़ता है कि हम लोग कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, हमारे रोल को कैसे हम लोग निभाते हैं। परफॉर्मेंस सार्थक तब होता है जब प्रोड्यूसर को पैसा वापस आ जाए। आशिकी नहीं, हम तो प्रेम में जीते हैं, नाम गलती से मेरे माँ बाप ने अवधेश रख दिया। वैसे अवधेश नाम भी सार्थक है, मेरे पे चरितार्थ होता है। अवधेश को यानी कि राजा दशरथ का नाम उपनाम अवधेश कह सकते हैं। 3 रानियां थी, उनको रखने का हक था, तो मेरे जीवन में भी कम से कम 3 नहीं तो मतलब आप समझ रहे हैं। तो प्रेम तो मेरे अंदर रग रग में समाहित होता है। तनु जी बहुत अच्छी अभिनेत्री है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। हम दोनों में एक बात जो कॉमन है वो है डॉग्स, वी आर बोथ आर डॉग लवर्स, हम दोनों के पास ही छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पागल लवर्स हैं हम लोग, पागल सीरियसली। और मुझे लगता है कि इंसान को समझने के पहले इंसान अगर जानवर को समझ ले तो इंसानियत की आवश्यकता कभी पड़ ही नहीं सकती है, कोई शैतानी नहीं होगा अगर जानवर को समझ ले कोई इंसान। और ये लड़की इतनी बड़ी पागल है, मुझे इसने गुलाम बना दिया। मैं समझता था कि मैं ही बहुत बड़ा डॉग लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, लेकिन ये तो हमारी भी नानी है इस मामले में, जो ये और इसकी मम्मी खास करके दोनों जो प्यार करते हैं पापा को, मतलब बाबा को, उसको बाबा बोलते हैं ना बच्चा, बच्चा रैम्बो नाम है, मेरे लिए भी बाबा ही है वो। मेरा 2 बाबा है, एक जिसको मैंने खरीदा है और एक सड़क पे जो था उसको घायल अवस्था में वो मुझे मिला था, उसको मैंने अडॉप्ट करके घर में रखा है, दोनों बहुत प्यारे। जी बहुत बड़ी बात है ये चीज। सबसे पहले अपना दर्शक लोग के प्रणाम करना चाहता हूँ, जो हमारे भगवान हैं, हमारे श्रोतागण। ये फिल्म निशिकांत जी की है, इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे चंदन उपाध्याय जी हैं। निशिकांत जी के साथ बहुत पहले जब मैं शुरू में इंडस्ट्री में आता तो एक हिंदी फिल्म कर रहा था, कसम तिरंगे की, जो फिल्म कम्प्लीट नहीं हो पाई, बट उन्होंने भोजपुरी में पहली फिल्म स्टार्ट की तो उन्होंने मुझे याद किया, उनका प्यार है, बड़प्पन है, आशीर्वाद है, तो मैं इस फिल्म से जुड़ गया। कॉन्सेप्ट भी अच्छी लगी मुझे। ये कि हमारी बेसिकली स्टोरी जो है विलेज की है, जहाँ पे विलेज पे आतंक है, जैसे आज बिहार उत्तर प्रदेश हमारे जो गांव में कोई ना कोई दबंग होता है जिसकी आतंक चलती है, तो उस आतंक को ख़त्म करने के लिए मेरी पोस्टिंग यहाँ होती है। और जो बाहुबली हैं उनके बेटे को जुर्म के बदले में यहाँ पुलिस चौकी में लेकर के आता हूँ, और अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ आते हैं, और हमारे बीच कुछ टॉकिंग होती है कि तुम जुर्म करना छोड़ दो क्योंकि मैं जुर्म होने नहीं दूँगा, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, और मैं चाहूँगा कि हर पुलिस ऑफिसर ईमानदार होना चाहिए, हैं भी। ये प्रोजेक्ट इसके निर्माता निशिकांत झा जी हैं, इसके पहले भी उन्होंने फिल्म बनाई है, और चंदन उपाध्याय जी जो इसके निर्देशक हैं,
तो उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत हमारे साथ की थी फिल्म नागिन से। राजकुमार पांडे जी के साथ वो जुड़े थे कि वहाँ से ये काम मतलब सीखें और फिर आगे। तो इंडिपेंडेंट उनकी पहली फिल्म है और इसमें हमारे साथी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अवधेश मिश्रा जी हैं, देव सिंह हैं, मटरू है, धामा जी हैं। तो एक बड़ी स्टार कास्ट इसमें जुटी है और कल्लू और अपनी हीरोइन तनुश्री, हाँ सॉरी तनुश्री है। तो बहुत अच्छा सेटअप बना है और चंदन जी काफ़ी वृहद पैमाने पर ये फिल्म बना रहे हैं। निशिकांत झा का भी पूरा सपोर्ट है। राजपिपला में हम लोग ने इसकी 15 दिन करीब शूटिंग की थी। इस दौरान निर्माता भी पूरे समय सेट पर थे और चंदन जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। अभी हम लोग चांदीवली स्टूडियो में आज हैं तो इसका जो बाकी काम रह गया है 2-3 दिन का वो पूरा करेंगे। सबसे पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मेरा नाम देव सिंह है। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं एक कलाकार हूँ। इस फिल्म में भी मैं नेगेटिव भूमिका में हूँ, अवधेश जी के बेटे का जो पागल टाइप और किसी भी चीज़ को पाने की जिद करते हैं, तो इसमें जिद्दीपना देखेंगे मेरे। तो आप अवधेश जी ने आपके अभिनय की काफ़ी तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे बड़े कलाकार? हाँ सर, ये मैं इतना ही बोलूँगा कि अवधेश जी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे एक भाई भी बोल सकता हूँ, एक बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपके सीनियर या आपके बड़े आपके काम की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से पागल होना चाहिए, इसका नतीजे पर एक जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। और अवधेश जी ने वही किया है, मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा। इस हिसाब से मैंने बताया कि मैं इसमें थोड़ा एक जिद्दी हूँ, साइकिपन है, तो मैं किसी से भी लड़ाई कर लेता हूँ। तो मेरी जो लड़ाई एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो चुकी हो जाती है सीक्वेंस के बाद, तो वही मारपीट करके और मुझे आके जेल में बंद करते हैं। फिर मेरे बाबू जी जो कि बहुत पवंग है जिनका नाम है लंका यादव,